हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सोचा कि मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करूं, वो है रिश्तेदार। अब रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली, ये वो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, एक छोटे से कंट्री की ये फौज होगी यार, एक बटालियन, लाइक लिटरली इंडियन आर्मी की बटालियन जैसे, इतने सारे लोग। जैसे पापा मम्मी होंगे तो मम्मी के साइड के नाना नानी, मामा मामी, मासा मासी एंड फिर उनके बच्चे, फिर डैडी जी के साइड में ताया जी, दादा दादी, ताया, ताऊ, ताऊ जी, फिर उसकी बीवी, फिर चाचा चाची, फिर फूफा फूफी, फिर उनके बच्चे। सो यू कैन इमेजिन, और ये सबके साथ निभाना पड़ता है भाई, कैन यू इमेजिन इट। फिर उनके हम इनके कोई उनके कोई कजन्स होंगे तो वो दूसरी बात है। सो हम लोग इसी चक्की में पिसे रहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ कुछ तो प्लेजेंट इंटरेक्शंस होती है, बट दे आर वेरी फार एंड फ्यू। मे बी पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग अपनी रिश्तेदारी निभाते थे और अच्छा भी लगता था, लेकिन अभी क्या हो गया ना, लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए, पीपल हैव बिकम वेरी क्लास कॉन्शियस, पीपल हैव बिकम वेरी स्टेटस कॉन्शियस। तो आपका रिश्तेदार अगर रिच है तो यू विल फाइंड एवरीबडी रनिंग बिहाइंड हिम, लाइक एज ही सम सेलिब्रिटी और अ रॉक स्टार, पॉप स्टार, फिल्म स्टार के पीछे, उसके पीछे पड़े रहेंगे। चाहे वो उसके घर पे जाएंगे तो सड़ा सा उसका मुंह रहेगा, एक ग्लास पानी तक उसकी बीवी नहीं पूछेगी, फिर भी लोग उसकी वाह वाह करते हुए थकते नहीं है। वाइल एज देर विल बी अ पुअर रिश्तेदार, अगर काम करवाना है, घर का काम वगैरह करवाना है या कुछ हेल्प चाहिए, तो फटाक से वो पुअर वाले रिश्तेदार से रिश्ता मतलब बनाए रखते हैं ताकि उससे काम निकलवा सके, और फिर उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, देखो तो भाई इसको तो देखो, उनको देखो और इसको देखो, ये कहाँ पर है। तो ये कजन्स के बीच में काफ़ी कंपटीशन रहता है, और वो अपने बच्चों के थ्रू वो शो ऑफ करते हैं कि मेरा बेटा देखो भाई US, UK, कनाडा गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गया हुआ है, मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ाई, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है, मेरे पास नई वाली गाड़ी है। और ये उनकी बीवियाँ ये जो होती है ज़्यादातर फेसबुक पर फ्लॉन्ट करते हैं। सो ये अपनी वाइफ्स और किड्स के थ्रू शो ऑफ करते हैं, जैसे नई सी कोई घटिया सी डिज़ाइन की ज्वेलरी होगी तो बंदी ऐसे फ्लॉन्ट ऑफ करेगी। एक को मैं बोलने वाली थी, क्या शक्ल तो वैसे भी तेरी बैंगन जैसी है, एटीट्यूड उससे बुरा, ऊपर से ये फालतू सी ज्वेलरी। सो दे कीप शोइंग ऑफ। आजकल फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टा आ गया, तो शो ऑफ करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो चांस मिलता है। और वो व्हाट्सएप ग्रुप तो सबसे ज़्यादा मुझे फालतू लगता है। कुछ कुछ तो ऐसे कज़न होते इतने बड़े बड़े कि यू कैन नॉट इवन रिलेट टू देम, उनके बच्चे और तुम एक ही उम्र के रहोगे। क्योंकि पहले के ज़माने में, बूमर कैटेगरी की बात करूँ, ये 8 बच्चे, फिर डैडी के साइड के 8 बच्चे, मम्मी के साइड के 8 बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर ये मासा मासी, ये हेडेक, फूफा फूफी, किसी को कम ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे उसके ऊपर भी इनका नखरा नाटक चालू, फिर ये इंटरफेयर करेंगे, चुगली लगाएंगे फ़ोन करके, लाइक यू नो, हाँ तेरी बेटी तो ऐसा बोल रही थी, तेरी बेटी तो ऐसा बोल रही थी, तेरा बेटा तो ऐसा कर रहा था। फिर इनको ना एक किसी स्केपगोट को पकड़ के ना उनको अपनी पूरी, जैसे बोलते ना पार्ट टाइम हॉबी जैसे है ना, वो उसी के पीछे पड़ जाते हैं, वो एक कैरेक्टर के पीछे, और अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, हमारे बच्चे तो ऐसे, हमारे खानदान में ऐसा, ये पता नहीं कैसे ब्लैक शीप, बट इट चालू इनके भी बच्चे हैं बट वो दिखाई नहीं देते, घर में इनके भी क्लेश है लेकिन दिखाई नहीं देता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इनका हक बनता है कि वो इंटरफेयर करेंगे, और वो बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है वो अगर तुम्हारे घर में आते हैं तो, दे वेरी एंटाइटल्ड टू सर्टन थिंग्स। फिर उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, देन यू रियली वंडर कि भाई इट बिकम्स मोर ऑफ अ पेन काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक यू नो, देन अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। मैं एकदम फ्रेंकली बोलती हूँ, ये क्या होता है ना, कभी कभी ये स्मॉल टाउन या विलेजेस से आते तो इनके घर बड़े बड़े होते हैं, और फिर इनकी ईटिंग हैबिट्स और रहने के तरीके, तौर तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। यू सी दिस विलेज चिल्ला के बातें करते, तो मैंने उनको एक बार पूछा कि वाई आर यू शाउटिंग, आई एम जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू और सिटिंग नेक्स्ट टू यू। नहीं नहीं हमारी तो, हम तो ऐसे ही बातें करते हैं।
हर चीज में एक उनको एक रेडीमेड एक्सक्यूज मिलता है. और ये क्या होता है ना कि जस्ट बिकॉज देयर एल्डर दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग. वो तुम्हें ताने मारेंगे, वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे. और अपने अगर अगर बदले लेने हैं ना तो उन लोग बच्चों के थ्रू लेते हैं. कभी कभी ये मुंह बंद करते हैं लेकिन इनके बच्चे बोलते हैं. सो ये लगता है कि नहीं भाई ये अच्छे हैं लेकिन इनके बच्चे बदतमीज हैं. तो ये रिवेंज अपने बच्चों के थ्रू या अपने पति पति मैंने मतलब पत्नियों के थ्रू, अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स है तो दे विल यूज देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन इन सच थिंग्स. तो अभी ये रिलेटिव्स के साथ अभी इस मॉडर्न टाइम में ना यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई यू इफ यू नीड रिस्पेक्ट यू हैव टू बी रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट. यू जस्ट डोंट कम बाजिंग इन एज एंड व्हेन रेलवे स्टेशन की तरह. यू नीड टू नोटिफाई थिंग्स, यू नीड टू हैव यू मेक थिंग्स ऑफिशियल, इन्वाइट भी. हाँ तो क्या हुआ तेरे मम्मी पापा को तो बोला था ना तो तू भी आ जाती. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है. अगर उनको बोला है तो मुझे भी बोलना चाहिए. सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट सर्टन थिंग्स कि आफ्टर समटाइम्स इवन यू आर एन अडल्ट एंड यू आर अ सेपरेट पर्सनैलिटी. अगर एक सबको इन्विटेशन मिलती है तो वेन दे आर राइटिंग देयर नेम ऑन द कार्ड तो उनको ये भी बोलना है कि आप भी आओ. यू गॉट इट ना. ये हैप्पी बर्थडे आजकल लोग मनाने लगे हैं जो 60 के ऊपर. मैंने बोला इनका क्या हैप्पी बर्थडे, कहीं बड़े बड़े यहाँ पे दावतें देंगे. मैंने बोला 60 साल हो चुके हैं लेकिन हरकतें दिन ब दिन बकवास होती जा रही है. वाला बिकम मेंटल. मैंने बोला ये पैसे ना जो हैप्पी बर्थडे पे उड़ा रहे हो अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स में लगा दो. पता नहीं बच्चे आज दे रहे कल कुछ नहीं देंगे. जस्ट That's all. Please share your experiences. I know not many people share it, but it's okay. I hope you like it. Bye.